होती हैं अच्छे लगने वाले, उनको तो फॉर्म भरें, जाके परीक्षा दे दें, जो मेरिट पर आएंगे उनको उठा के लगा देंगे। ऐसे ही आईएएस एक के बदले में पांच नाम यूपीएससी को भेज रहे होते हैं। इस समय पांच वो आईएएस की सीटें खाली हैं। हमने पिछले दिनों में एग्जाम लेकर के जो टॉप के 25 नाम थे वो यूपीएससी को भेज दिए। अब इसमें से पांच छांट करके आप भेज दो, हमें कोई अपना भाई भतीजावाद मुझे अपना रिश्तेदार कोई नहीं लगाना। आखिर तो ये परंपराएं शुरू करनी पड़ती हैं। सुधार हमेशा ऊपर से नीचे होता है। कितने सुधार हम कर रहे हैं उन सुधारों में, क्योंकि बहुत सी सरकार की ऐसी योजनाएं होती हैं जिन योजनाओं का लाभ, योजनाएं बनाई इसलिए जाती हैं कि गरीब को लाभ हो जाए, लेकिन देखा क्या गया है कि उन योजनाओं का लाभ नीचे पहुंचाने में भी बीच में कहीं ना कहीं टांका लगता है। मैं तुझे 20,000 रुपए का लाभ लेके दे देता हूं, पहले 5,000 रुपया मुझे दे दे। ये सिलसिले चलते रहे हैं। देने वाला भी इसलिए देता कि 20 मिल रहा, 5 इसको दे तो 15 तो मिलेगा ही। लेकिन भाई 20 का अधिकार जब उसका है तो बीच में 5 की कटौती करने वाला क्यों आया ये दलाल बीच में, इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। 20 का अधिकार किसी का तो पूरा 20 उसी को मिलेगा, 50 का अधिकार है तो 50 उसी को मिलेगा। इसके लिए कई योजनाएं चलाई हैं। एक तो हर किसी को सरकारी दरवाजे पर पहुंचने के लिए कठिनाई न हो, हमने जगह जगह पर अंत्योदय केंद्र बनाए हैं, जगह जगह पर सरल केंद्र बनाए हैं, ई दिशा केंद्र बनाए हैं, गांव गांव में अटल सेवा केंद्र बनाए हैं कि जो पात्र व्यक्ति है, जिसकी जरूरत है, गरीब है, किसी भी पिछड़े समाज का व्यक्ति है, अनुसूचित जाति के समाज का व्यक्ति है, वो जाकर के अपना फॉर्म भर दे। और फॉर्म भरने के बाद उसकी जो औपचारिकता छोटी बड़ी होती है, पैसा जो आता है वो सीधा उसके बैंक के खाते में डीबीटी होता है। वो किसी अधिकारी के माध्यम से उनको चेक नहीं देते हम, नहीं तो चेक देने वाला भी चेक बना करके और जेब में रख लेगा, जिसको देना है उसको दिखाएगा, देख रहा चेक पड़ा है, देख रहा चेक पड़ा है, वो गया चेक मिल क्यों नहीं रहा, वो तो मेरा हाथ गर्म कर फिर चेक दूंगा गर्म। सिस्टम खत्म कर दिए, किसी को चेक दिखाई नहीं देगा, अब तो सीधा पैसा सरकार का बटन दबा करके उसके खाते में पहुंचेगा, बाहर नहीं रखेंगे। कितनी योजनाएं गरीबों के लिए, चाहे वो हमारी जो उज्ज्वला स्कीम है, आयुष्मान स्कीम है, हमारे जो हमारे गीतकार हैं जिन्होंने अभी गीत बोला उन्होंने उछाली उनकी चर्चा की है, तो इस प्रकार की सारी योजनाएं, घर घर में बिजली पहुंचाने की बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, सब चीजें हमने गरीब समाज के लिए खुली कर दी हैं। लेकिन मुझे अभी भी संतोष नहीं है। मैं साफ बताना चाहता हूं संतोष क्यों नहीं है। आज भी इतनी सब योजनाएं होने के बाद पात्र व्यक्ति कौन है, अपात्र कौन है, इसकी पहचान करने में अभी वही सरकारी सिस्टम है और लोगों की मानसिकता भी वही है। मानसिकता पर थोड़ा सा मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं, अगर किसी से पूछा जाए कि भी ये योजना 50,000 रुपया या 1,00,000 रुपए तक की सीमा किसकी इनकम की है उसको मिलेगी, तो तुम्हारी इनकम कितनी है, तो आज 5,00,000 वाला भी ये कहता है कि मेरी इनकम 50,000 है, 2,00,000 वाला भी कहता है मेरी इनकम 40,000 है। भाई अगर तुम्हारे पास ज्यादा इनकम है तो बताओ ज्यादा है, फिर तुम्हारे लिए जो योजना होगी तुम्हें मिलेगी। लेकिन अगर ये गरीब के लिए है तो ये गरीब के पास जाने दो। आज भी हमारा संघर्ष आपस में चल रहा है, उस आपस में संघर्ष के कारण से बहुत बातें हम ऐसी भूल जाते हैं उसका हम हिसाब किताब नहीं लगाते हैं। मैं हमारे डिप्टी स्पीकर से एक बात से भिन्नता रखता हूं और मैं आपको बता देता हूं क्या है। डिप्टी स्पीकर भी मंच पर बैठे हैं, आप भी सामने बैठे हैं, हमारे पास कोई एक चीज है, उस चीज को हमने कहा कि अभी जिसकी सालाना इनकम 2,00,000 रुपया साल की है ये उससे नीचे के आदमी को मिलेगी, और उसमें भी मानो एक चीज है, चार लेने वाले आ गए तो चार में वही होगा ना जिसकी मेरिट ज्यादा है, क्यों उसी को मिलेगी जिसका अधिकार ज्यादा बढ़ता, मानो मेरिट पर ही हमने कर दिया तो 2,00,000 के नीचे उसी को मिलेगी जिसका मेरिट ज्यादा है, भले वो 1,90,000 वाला हो भले 1,50,000 वाला हो। लेकिन अगर हमने उस 2,00,000 की बजाय उसकी लिमिट 5,00,000 कर दी तो जो 1,90,000 वाले इनकम वाले को मिलने की जरूरत थी
वो था चांस पे, वो बहाना मिलकर के 5 लाख अगर कर दी तो 4,60,000 वाले को मिलेगी, 1,90,000 वाले को नहीं मिलेगी। अब हमें बताओ चीज सीमित है, वो हमको 1,90,000 वाले को पहले देनी चाहिए या 4,50,000 वाले को पहले देनी चाहिए, बताइए भाई, बोलिए सब बताएं, 1,90,000 के 4,50,000, 1,90,000 वाले को पहले मिलनी चाहिए। सेंटर में तो सेंटर की इससे सहमत नहीं हूं, मैं दूसरी स्टेटों से भी सहमत नहीं हूं, मैं तो इस पंचायत में जो फैसला होगा वो करने के लिए तैयार हूं। आप ये बताओ कि पहले अधिकार 1,90,000 वाले का है कि 4,50,000 वाले का है? 1,90,000 वाले का है ना? नहीं, कंपटीशन सुनिए भाई, 1,90,000 वाले जब सारे लोग ऐसे हैं कि उनको सबको मिलता है, फिर इसको खोल के 4,50,000 तक ले जाएंगे। आज पहली जरूरत 1,90,000 वाले को है, 4.5 वाला तो 2-4 साल बाद जब ये 1,90,000 वाला 4.5 पर पहुंच जाएगा तो मुकाबला कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये उस विषय पर चर्चा कर रहा हूं जिसमें एक मांग उठी हुई है, क्या क्रीमी लेयर को 6 लाख के बजाय 8 लाख कर दो। अरे हम कहते हैं 6 लाख में 5 लाख वाले वो नहीं लेके पाए, लेके जा पाएंगे। 8 लाख का मतलब होता है एक महीने में जो 66,000 रुपये महीना कमाता है। अब ये 66,000 रुपया महीना कमाने वाले को हरियाणा में यदि हमने गरीब मान लिया तो जो 10-15,000 महीने का कमाता है, 20,000 रुपया महीने का कमाता है, वो साहूकार होगा क्या? क्या नहीं होगा ना? ये लिमिट जो बाकी प्रदेशों में 1,20,000 है, हमने अपने प्रदेश में बहुत जल्दी, मुझे लगता है 31 मार्च तक हमारे सारे सिस्टम तैयार हो जाएंगे, 1,80,000 रुपये बीपीएल की लिमिट कर रहे हैं। पहले अधिकार सारे बीपीएल के होंगे, 1,80,000 वाले के, 6 लाख वाले के भी होंगे तो उसके बाद होंगे। अगर हमने इसमें मेरिट बनानी है, अधिकार पहले किसका, तो जो सबसे ज्यादा करीब है अधिकार सबसे पहले उसका, बोलिए, क्योंकि आखिर उसको तो ऊपर उठाना है। 70,000 रुपए 60,000 रुपए महीने कमाने वाले की चिंता अभी हमको नहीं है, वो कमा रहा है, वो और आगे बढ़े, हमारी शुभकामना है, अपने दम क्रम पर बढ़े, सरकारी सहायता से बढ़ने की इच्छा न करे। सरकारी सहायता की इच्छा तो वही करे जो बहुत अभी लाचार है, बहुत अभी जिसकी समस्याएं ज्यादा है, जिसकी इनकम बहुत कम है। और आने वाले समय में मैं अंतिम विषय आपके सामने रख रहा हूं, हम एक कार्यक्रम बनाने वाले हैं और उस कार्यक्रम का नाम है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र हर एक परिवार की पूरी डिटेल रखेगा, उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, लगभग 52-73% परिवारों का हरियाणा में पहचान पत्र बन चुका है, अभी 50 से कम बचे हैं जो चल रहा है काम, आने वाले 2 महीने में यह पूरा होगा। और हर परिवार के डाटा में उस परिवार के कितने सदस्य हैं, किस किस आयु के हैं, किस किस पढ़ाई के हैं, किस किस रोजगार के हैं, बेरोजगार कौन है, किसकी कितनी इनकम है, किसको बीपीएल माने किसको ना माने, मकान किसका अपना है किसका नहीं है। अभी जो आंकड़े हैं ये सन 2011 के हैं, 2011 में वो सच थे कि झूठ थे वही चल रहे हैं, लेकिन 11 से 2020 10 साल में तो बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। मानो इस 10 साल में किसी घर में एक नौकरी लग गई तो फिर अब उस प्रकार का गरीब नहीं है, सरकारी नौकरी में अच्छा खासा पैसा चाहे वो डी हो सी हो घर परिवार के गुजारे के लिए मिलता है। लेकिन जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, पढ़ा लिखा कम है या पढ़ाई का अवसर नहीं मिला है, चिंता उसकी करनी है। इसको कहेंगे अंत्योदय, क्या कहेंगे, अंतिम का उदय, जो लाइन में आखिर में रह गया उसकी सच्ची पहचान हमको करनी पड़ेगी। हमारे समाज में भी जब आपको पूछा जाए कि अंतिम पंक्ति में कौन है, ये मत कहो कि अंतिम पंक्ति में मैं हूं, अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाओ, मेरे से जो पीछे है, जो सबसे पीछे है वो अंतिम पंक्ति है। अगर अधिकार पहले लेके देना है सहायता का, सरकारी योजनाओं का लाभ, तो जो सबसे अंत में पहले उसको लेके देंगे, बाद में हम सब मिलकर के उसका लाभ उठाएंगे। और मैं ऐसा नेता नहीं हूं कि किसी ने मंच पे कुछ भी कह दिया और उसको राजी करने के लिए हां जी हां, हां जी हां, ठीक है हो जाएगा। जो काम हो सकेगा उसको कहेंगे हां होगा, जो काम नहीं हो सकेगा हाथ जोड़ के कहेंगे ये अभी संभव नहीं है।